राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं धान में पहला कीटनाशक हमें कब देना चाहिए, और पहला कीटनाशक जो हम देंगे वो यूरिया खाद के अंदर मिलाकर के यदि हम डालते हैं तो कितनी मात्रा हमें उसकी डालनी चाहिए, दूसरा कीटनाशक हमें कब लगाना चाहिए और तीसरा कीटनाशक हमें कब लगाना चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर के धान की फसल के अंदर कितने बार हमें कीटनाशक का उपयोग करना है जिससे कि धान की फसल के अंदर ना ही तो दीमक का अटैक देखने को मिले, ना ही पत्ता लपेट का, ना ही सुंडी का, और ना ही किसान भाइयों जो हमारी धान की फसल के अंदर और अन्य रोग लगते हैं उनसे भी हमारी धान की फसल बच सके। तो वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है, मात्र 3 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन वीडियो के अंदर मैं जानकारी आपको दूंगा, बहुत ही सही और अच्छी जानकारी आपको मिलेगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसानों, धान की फसल की रोपाई के लगभग लगभग 8 से लेके 15 दिन के अंदर आपको जो है कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए। 8 दिन से पहले आप कीटनाशक का उपयोग ना करें। ऐसे मान लीजिए, बिल्कुल यदि मैं बिल्कुल एक्चुअल समय की बात करूं कि पहला जो कीटनाशक हमें धान की फसल के अंदर देना चाहिए वो किसान भाई आपको 10 दिन से लेकर के 20 दिन के अंदर, यानी कि जो हमारा 10 से 20 दिन के बीच का जो 10 दिन का समय होता है, इन 10 दिन के अंदर यदि आप कीटनाशक को डाल देते हैं तो किसान भाई आपकी धान की फसल उन कीटनाशकों को अच्छी तरीके से ग्रहण कर लेती है, और जो आप यूरिया इसके अंदर डालेंगे उस यूरिया को भी ये अच्छी तरीके से ग्रहण कर लेगी, जिससे जो आपकी फसल के अंदर कीटों का अटैक होना चाहिए था उस अटैक से आपकी फसल बच जाएगी। तो पहला जो आपको कीटनाशक यहाँ पर किसान भाइयों लेना है वो लेना है 10 दिन से लेकर के 20 दिन की, जब आपकी धान की फसल होगी उस समय पर आपको पहला कीटनाशक यहाँ पर ले लेना चाहिए, और इसी समय पर किसान भाइयों आपको पहला यूरिया भी डालना चाहिए। तो पहले यूरिया के रूप में यदि आप डालेंगे तो आपको यूरिया की मात्रा 40 से लेके 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको लेनी चाहिए, और साथ में जो आप यहाँ पर कीटनाशक लेंगे वो आप लेंगे क्लोरोपैरिफास प्लस साइपर मैथ्रीन। इनकी जो मात्रा किसान भाइयों आपको लेनी है वो लेनी है 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और इन दोनों को आपस में अच्छी तरीके से मिलाने के बाद इनका जो छिड़काव है, इनका जो बिखराव है वो आप अपनी धान की फसल के अंदर कर दीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से ये कीटनाशक आपकी फसल को लग जाएगा, और आपकी फसल के अंदर फिर कोई भी कीट आसानी के साथ लग करके नहीं चलेगा। दूसरा जो कीटनाशक किसान में जो आपको डालना है वो पहले कीटनाशक के लगभग लगभग 30 से लेके 35 दिन के अंतराल पर आपको दूसरे कीटनाशक का उपयोग करना है, और इसी समय पर किसान भाइयों आपको यूरिया का उपयोग भी करना है। और यहाँ पर जो किसान भाइयों आप यूरिया का उपयोग करेंगे वो वही करेंगे 35 से लेके 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और यहाँ पर जो आपको कीटनाशक लेना है, कीटनाशक यहाँ पर किसान भाइयों मैं आपको 4 से लेके 5 कीटनाशक के बारे में बता रहा हूँ, किसी भी एक कीटनाशक को यहाँ पर आपको उपयोग में लाना है, और बिल्कुल इसी समय पर आप यदि इन्हें डालेंगे और खेत के अंदर नमी बना करके रखेंगे तो बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो कीटनाशक आप ले सकते हैं, रिजेंट का अल्ट्रा, जिसके अंदर आपको फिप्रोनिल की मात्रा देखने को मिल जाती है। इसकी मात्रा की बात करूँ तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप रिजेंट अल्ट्रा का उपयोग यूरिया में मिला करके कर सकते हैं, और यदि आपको रिजेंट अल्ट्रा नहीं डालना है तो इसकी जगह पर किसान भाइयों आप कारटैप हाइड्रोक्लोराइड, जो हमारा 4% में ग्रेनुअल में आता है, इसे भी आप ले सकते हैं, और इसकी मात्रा भी आपको 5 से लेके 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए। यदि आप इसे भी नहीं डालना चाहते तो किसान भाइयों आप FMC के फटेरे का उपयोग कर सकते हैं, जिसकी मात्रा 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ले लेनी चाहिए। और यदि मैं अगले कीटनाशक की बात करूं तो किसान भाइयों आप सिंजेंटा के वर्टेको का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसकी मात्रा आप 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। तो इनमें से किसी भी एक कीटनाशक को आप यूरिया के साथ मिला करके यदि डालेंगे तो आपकी धान की फसल के अंदर चाहे तो पत्ता लपेट हो, चाहे कोई सुंडी हो, चाहे कोई दीमक हो, चाहे कोई भी अन्य रोग हो, उन सभी रोगों से किसान भाइयों ये आपकी फसल को उन कीटकों से बचा करके चलेगा और एक अच्छा उत्पादन निकालने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं।